नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग चैनल में। तो आज हम आ चुके हैं फिर से हम मुनाड कॉलेज में, और इस मुनाड कॉलेज में आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज कैसा है। और अभी मैं अंदर चलकर भी दिखाऊंगा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। और गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉलेज के बारे में बहुत सारी फेक वीडियो बनाई गई है, तो मैं आपको एकदम रियल दिखाने वाला हूं। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड इस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम भी दिए थे आज, वो भी आपको दिखाऊंगा चल के। तो गाइज बन रहे हैं हमारे साथ और देखने के लिए चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा कॉलेज का मेन गेट, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और फिर चलते हैं कॉलेज की तरफ, तो दिखाते हैं आपको। तो गाइज बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं एक ब्लॉक में, और वहाँ पे लिस्ट लगा पड़ा है, मैं चलकर आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ। तो गाइज इधर से ही बच्चे अभी आएंगे और मेरे दोस्त भी गए एग्जाम देने के लिए, उनसे भी मिलवाता हूँ कि उनके एग्जाम कैसे गए हैं। और ये लिस्ट लगा पड़ा है, कभी आते हैं तो उनसे भी मिलवाता हूँ। तो इनका एग्जाम कैसा हुआ है? ये लोग आ रहे हैं ये बाहर निकलते हुए। भाई एग्जाम कैसा गया तुम लोग का? बढ़िया गया। क्वेश्चन पेपर है काफी, देखिए क्वेश्चन पेपर दिखाना भाई। ये भाई देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पेपर है ये 70 मार्क्स का है, और ये सेशनल से रिलेटेड होता है। जो भी सेशनल में आते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, और काफी अच्छा है। और तुम्हारा तो बढ़िया गया भाई, और तुम्हारा कैसे गया? एकदम मस्त भाई, इनका भी काफी मस्त गया है। टू गुड। ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आता, अगर तो इतने कर लेगा तो आराम से आ जाएगा। नॉर्मली बस पढ़ना होता है भाई, सेशनल का पढ़ लो और उसी से रिलेटेड लिख के चले आओ, तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे सारे एग्जाम दे के बाहर निकले हुए हैं। Please, no! देख सकते हैं ये एग्जाम देकर आ रही हैं, और एग्जाम आपको कैसे गया दी? बहुत अच्छा है। और इस कॉलेज के बारे में बताना चाहेंगे, ये कॉलेज कैसा है? मैंने भी काफी पहले सुना नहीं था कि इस कॉलेज के बारे में, जब मेरे भाई का एडमिशन हुआ था तो मुझे पता चली कि हाँ ये कॉलेज है। तो आई, मैं देखा कि कॉलेज अच्छा है, उसके बाद मैंने पहले चेक किया कि कॉलेज अच्छा है या नहीं, उसके बाद मैंने यहाँ एडमिशन लिया। अब पता चला कॉलेज अच्छा है। तो इसमें पढ़ाई वगैरह कैसे होता है? पढ़ाई भी बहुत अच्छी है इसमें। तो अभी आपका लास्ट एग्जाम कब है? लास्ट एग्जाम 27 को है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे चूतिया दोस्त अब जाकर बुक लेने वाले हैं मैथ का। इनका अगला एग्जाम है मैथ का, लेकिन ये कह रहे हैं जा रहे हैं लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए। अखंड चूतिया है। बोले तो इससे पहले कहाँ थे भाई आप लोग? कहाँ थे बुक लेने के लिए जा रहे हैं? बता भाई, अभी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है दूसरा, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी जाके कुछ बच्चे एग्जाम दे के बाहर आए हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने अपने दोस्तों से मिलवाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में बच्चे जाके एग्जाम देंगे, ये रहे। और बच्चे की भीड़ आप देख ही रहे हैं गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं फिर से एक दी मिली हुई है। तो दी एग्जाम कैसा गया आपका? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तो दी आप इस कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कॉलेज कैसा है? कॉलेज अच्छा है, फीस भी अच्छी है, कर सकते हैं, और ऊपर से इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और ये कॉलेज ने लड़कियों के लिए काफ़ी छूट दे रखी है, जैसे कि दी बता रही हैं। अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन, तो गाइज लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट है, लड़कों के लिए भी जो यूपी में पढ़ते हैं, और फीस में काफ़ी कंसेशन है लड़कों के लिए, कहीं के भी हो फीस में काफ़ी कंसेशन हो जाएगा, और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है जैसे दी बता रही है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा कॉलेज का एक्सरसाइज, जो ये लोग एक्सरसाइज करने के लिए बना रखा है। तो गाइज यहाँ पे बच्चे आके यहाँ पे खाने पीने के बाद लंच के टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइस आप अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि हमारे भाई साहब कर रहे हैं। आप दिखाइए भाई, भाई साहब को देखिए कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हाय, हेलो भाई। हाय भाई, कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया भाई आपने? एमबीए इंग्लिश। तो भाई आप कॉलेज कैसा है? कॉलेज अच्छा है, एक बार आके जरूर विजिट करो, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। तो भाई आपने क्या करा है इस कॉलेज में? मैं एमए कर रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं भाई यहाँ से एमए कर रहे हैं इन आर्ट से, और देख सकते हैं अगर आप आए तो जरूर इस कॉलेज में विजिट करें। तो गाइस यहाँ पे ऑल कोर्स अवेलेबल है, आप पीछे देख सकते हैं, भाई साहब यहाँ पे दिखाइए।
एक रिजल्ट बी फार्मा से लेकर डी फार्मा, एम फार्मा, बी बी ए, बी कॉम से लेकर बी एड, एम एम टेक, बी सी ए भी सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो गाइस आप यहाँ पे आके ले सकते हैं एडमिशन और काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डायरेक्ट डिग्री लेने की कोशिश ना करें वरना फ्रॉड करके लग सकता है, इससे बचें आप। अगर आप मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको 24/7 आपको रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और वहाँ पे मेरे से ए टू जेड मोनार्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।